महाराष्ट्र की राजनीति में जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के फैसले पर भी नजर नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी मांग सामने आई थी जनता की तरफ से। ये मांग थी कि शिवसेना में राज ठाकरे की वापसी होनी चाहिए। लेकिन आप सभी को बता दें, राज ठाकरे की वापसी पर उद्धव ठाकरे के समर्थन करने पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी कुछ बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ये फैसला तो पिताजी का ही होगा कि वो समर्थन देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसी मुश्किल घड़ी में बात करें उद्धव ठाकरे को समर्थन की आवश्यकता है। भले ही वो नया कैडर बनाने की बात कर चुके हैं और काफी जज्बे के साथ सामना कर रहे हैं शिंदे और फडणवीस की सरकार का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर भाई राज ठाकरे का साथ मिल जाता तो शायद बात कुछ और होती। लेकिन कई लोगों ने दावा किया कि अगर आज राज ठाकरे शिवसेना के प्रमुख होते तो महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति, ऐसा संकट कभी नहीं मंडराता कि शिवसेना के अस्तित्व पर बात आ जाती। लेकिन आप सभी को बता दें, राज ठाकरे ने अपने कई बयानों में ये बात साफ करी है कि किन वजहों से उद्धव ठाकरे शिवसेना मात खाती नजर आई। दरअसल वो सबसे बड़ी वजह थी एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन। जी हाँ, एनसीपी और कांग्रेस के साथ जब गठबंधन किया था उद्धव ठाकरे ने, तभी बाला साहब ठाकरे के विचारों को वही समाप्त कर दिया था, ऐसा राज ठाकरे का अपने बयान में कहना था। इसी के साथ साथ आप सभी को बताया तो किस तरीके से उन्होंने इन सब तमाम बातचीतों के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने भी समर्थन मांगने पर, समर्थन देने पर भी कुछ बातें कही थी। उद्धव ठाकरे ने कह दिया था कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन अब समर्थन नहीं मांगेंगे ना ही समर्थन देंगे भारतीय जनता पार्टी को। राज ठाकरे को नहीं जोड़ा था इस बयान में, लेकिन राज ठाकरे ने साफ कर रखा है कि बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ ही उनके विचार, मतलब जब वो दुनिया से गए तो उनके विचार भी उनके साथ चले गए, क्योंकि उद्धव ने सब कुछ बदल के रख दिया पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से नाराज विधायकों ने बगावत कर दी। यानी बगावत की मुख्य वजह खुद उद्धव ठाकरे ही थे। लेकिन देखा जाए तो एक समय वो भी था जब उद्धव की राजनीति में रश्मि ठाकरे भी कई अहम फैसले लेती थीं, और ऐसे में राज ठाकरे जब जा रहे थे शिवसेना से, कई विधायकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मातोश्री से जब राज ठाकरे की विदाई हो रही थी तो सब चाहते थे कि राज ठाकरे ना जाए। सब नहीं, कई विधायक चाहते थे, क्योंकि राज ठाकरे ने बचपन से ही बाला साहब ठाकरे के कामों को सीखने की पूरी कोशिश करी, उनके गुण सीखने की कोशिश करे। लेकिन अचानक से उद्धव की एंट्री से हर तरफ अस्त व्यस्त हो गया मामला, और राज ठाकरे को जो पद मिलना चाहिए था वो उद्धव को पद सौंप दिया गया। तो ऐसे में राज ठाकरे अपनी पार्टी एमएनएस यानी कि मनसे प्रमुख बना ही चुके हैं। उनका विचार अलग है, भले ही एक विधायक है, लेकिन उनका रुतबा, उनका कद जिस तरीके से बढ़ता है, जिस तरीके से उनकी गूंज होती है, जिस तरीके से उनकी हुंकार होती है, वो हर कोई सुनता है, और चाहे किसी भी मसले पर उस पर हामी जरूर भरते हैं। लेकिन क्या आपको भी सचमुच लगता है राज ठाकरे अगर शिवसेना में होते तो क्या ये नौबत आती या नहीं? क्या राज ठाकरे अगर होते तो क्या शिवसेना का ही मुख्यमंत्री इस समय राज कर रहा होता? महाराष्ट्र पर अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जोर रखेगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं राज ठाकरे शिवसेना में वापसी आए, उद्धव की मदद करें ऐसे वक्त में, तो अपनी राय खुलकर रख सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।